हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं गर्मियों के लिए बहुत ही ठंडी ठंडी मिठाई। तो आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं। गाइस, हमने एक बाउल में ये 2 चम्मच मलाई ले ली है और इस मलाई में हम डालेंगे 2 ही चम्मच मिल्क पाउडर। तो ये मलाई में हम 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे। और इसको चला देंगे और इसी में 2 चम्मच हम डालेंगे पिसी हुई चीनी। तो अभी पिसी हुई चीनी और डाल लेते हैं। तो ये हमने बूरा ले लिया है, तो 2 चम्मच हम बूरा भी डाल सकते हैं और पिसी चीनी भी डाल सकते हैं। तो गाइस, इस तरह से हमने मलाई में 2 चम्मच मिल्क पाउडर और 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल के और इसको मिला लिया है अच्छे से। अब इसको हम साइड में रख देते हैं और इसको बाद में यूज़ करेंगे। तो गाइस, हमने एक भगोना रख लिया है गैस पर और इसमें डालेंगे हम, ये हमने 1 कप दूध लिया है तो इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। तो गाइस, इतने दूध गर्म होता है तो हमने थोड़ा सा दूध 1 कप में ले लिया है और उसमें मिलाएंगे 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और इसको अच्छे से घोल लेंगे। देखिए, ये इस तरह से घुल गया है। तो गाइस, ये दूध गर्म हो गया है तो इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच चीनी। और इसी के साथ हम डाल देंगे ये जो हमने कस्टर्ड पाउडर घोला है दूध में, तो इसको भी इसी में डाल देंगे। और इसको इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे। तो देखिए, ये दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है। कस्टर्ड पाउडर को डालने के बाद ही दूध गाढ़ा होने लगता है। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और फिर ठंडा करेंगे। तो ये ब्रेड के हमने किनारे निकाल लिए हैं और इसको हम ये पीस कर लेंगे इस तरह से, और इसके भी हम 2 पीस कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें सारी ब्रेड काट लेनी है। तो गाइस, जो हमने ये ब्रेड के पीस किए बनाए हैं तो इसमें जो हमने मलाई में मिल्क पाउडर और पिसी चीनी मिलाई थी, तो इस मिश्रण को हम इसमें लगा देंगे। और इस तरह से दूसरा पीस भी इसके ऊपर रख देंगे और इसको हम प्लेट में रख लेंगे। तो इसी तरह से हमें सारे पीस पर ये लगानी है, अच्छे से लगानी है। तो देखिए गाइस, ये हमने ब्रेड में जो मलाई लगाई थी तो वो इस तरह से ये हमारे ब्रेड के पीस तैयार हो गए हैं। और जो हमने दूध पकाया था तो वो भी ठंडा हो गया है।
तो इस पर डालेंगे इसे। तो इसे ब्रेड पर अच्छे से डालेंगे ताकि पूरी ब्रेड हमारी इसमें भीग जाए और ये मिठाई बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसको ठंडा करके फ्रिज में उसके बाद खाएं, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इस तरह से ये हम दूध अच्छे से डालेंगे ब्रेड पर। और ये थोड़ी सी मलाई हमारी बच गई थी तो इसको भी हम ऊपर से डाल देंगे इस तरह से। और मिठाई तो हमारी बनकर तैयार हो गई है, तो अब इसको हम गार्निश करेंगे। तो उसके लिए हमने थोड़े से पिस्ते लिए हैं, इनको हमने छोटा छोटा काट लिया है। तो देखिए गाइस, ये हमारी मिठाई बनकर तैयार हो गई है और आप इसे बनाइए, खाइए और आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। और जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अब हम मिलते हैं अगली कुकिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।